गुड मॉर्निंग, बताएं नए साल के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन. डिस्क्लेमर, सबसे पहले यू नो वी ओन द स्टॉक, वी हैव बीन लॉन्ग ऑन द स्टॉक आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 8-9 मंथ्स. हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है और दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट यू नो जो ओमकारा ने लिया. दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट ऑल. अगेन सर, थीम वही है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वो स्टॉक्स देखते हैं जहां पे जो प्रोडक्ट वो बनाता है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज यूज हो सकता है. कि जब आपको ये इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, अर्थ मूविंग, ये सब चीजों में, स्टील में, सीमेंट में जब आपको देखेगा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनके प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज यूज होंगे. हम बात कर रहे हैं पिक्स ट्रांसमिशन की सर. छोटा स्टॉक है, छोटा वॉल्यूम है, तो प्लीज वो अपना रिस्क दिमाग में रखिए, एलोकेशन ज्यादा मत कीजिए. बट मार्केट कैप इसका 1150 करोड़ है सर. ये कंपनी है जहां पे हमें उम्मीद है कि ये 600 से 625 करोड़ सेल्स कर सकता है FY24 में और 80 से 90 करोड़ प्रॉफिट कर सकता है. ये कंपनी आज भी सर 13 टाइम पे ट्रेड करता है और इसका ROIC 20% से ऊपर है. ये करता क्या है कंपनी, ये मैन्युफैक्चर करता है सर वाइड अलग अलग तरीके की जो बेल्ट होती है, इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है वो करता है, रिलेटेड मैकेनिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स करता है, जैसे वी बेल्ट्स हुआ, कट एज बेल्ट्स हुआ, रिबेट बेल्ट्स हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये करता है. ये इंडस्ट्री बहुत ही सिंपल है सर. यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स ही है ज्यादातर इंडिया में. इंडिया में जेके फेनर है और पिक्स ट्रांसमिशन है. तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा आ सकती है, बिकॉज ये इंडस्ट्री में 2 या 3 प्लेयर्स ही है. प्रमोटर का स्टेक 62% है. हमें कंपनी अच्छा क्यों लगता है सर, सिंपल सी बात है, इसमें एक एस्टेब्लिश ब्रांड है. अगर आप किसी से भी बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको पिक्स ट्रांसमिशन के या पिक्स बेल्ट्स के बारे में पता है. इस कंपनी का 30 से 40% मार्केट शेयर है सर. ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास रहता है, जो मैंने देखा कि 20-25 क्वार्टर से इसका ग्रॉस मार्जिन 55-60% के बीच में रहता है और एबिटा मार्जिन 20% से ऊपर रहता है. डेट फ्री कंपनी है सर, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है. पर इंपॉर्टेंटली कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि बहुत सिंपल है बनाने के लिए. इसके बाद ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा SKUs है, मतलब इन्होंने बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जहां पे ये 2500 से ज्यादा डिफरेंट बेल्ट्स बनाते हैं जिनका एप्लीकेशन हर एक इंडस्ट्री में होता है. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है और इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए जो गेट्स करके कंपनी है उससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स की कंपनी बनाती है. इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. कोई अच्छा नहीं है, कोई बहुत आसान नहीं है कि कोई भी इसको बना दे. अगर आप देखो तो जेके फेनर से इसने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 सालों में. इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर जो जेके फेनर है उससे अच्छा ग्रोथ दिखाया है हमें. इवन अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए या मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो गेट से ये ज्यादा चीपर प्रोडक्ट है और अच्छे मार्जिन से रिपोर्ट करता है. और अगर आपको विश्वास है कि ये इंडस्ट्रियल, ऑटो, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर में, सीमेंट में, स्टील में आपको लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं अपस्विंग आएगा आगे जाके, IIP ग्रो होगा, तो उस तरीके से ये कंपनी देखा जाए. बहुत ही अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है सर. ग्लोबली अगर मार्केट साइज देखो तो जो प्रोडक्ट्स का है वो कुछ 20-22 हजार करोड़ का है और इसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है. तो हमें ये उम्मीद है कि आगे जाके इसका मार्केट शेयर भी ग्लोबली भी बढ़ेगा. और इन्होंने इसलिए एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है 60 करोड़ का, जहां पे इनका कैपेसिटी 50% से ज्यादा ग्रो करेगा आगे जाके. अगर आप पीयर्स की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि जेके फेनर जो अनलिस्टेड प्लेयर है उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है लास्ट 3 साल से, लेकिन पिक्स का रेवेन्यू 50% ग्रो किया है इन द लास्ट 3 इयर्स. पिक्स के रिटर्न रेशियोज अगर देखेंगे तो जो गेट्स है जो एक इंटरनेशनल कंपनी है उससे भी ज्यादा बेटर है. एक छोटा सा कंपनी लिस्टेड है सर, इंटरनेशनल कन्वेयर बेल्ट जो लिस्टेड कंपनी है, वो आज KTM 15 टाइम पे ट्रेड करता है और जिसका प्रॉफिट सिर्फ 16 या 17 करोड़ के आसपास है और ROE 9% के आसपास है. उसके हिसाब से आपको बड़ा कंपनी, बड़ा साइज का कंपनी जो 60 से 80 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है वो आपको 13-14 टाइम पे मिल रहा है और जिसका रिटर्न रेशियो जैसे मैंने आपको बोला 20% से ऊपर है. सो अगर किसी के पास 1-2 साल का व्यू है सर, और अगर किसी को लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में आके जाकर ज्यादा बढ़ेगी और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अक्रॉस सेक्टर्स यूज होता है, तो इस कंपनी को देखना चाहिए. एज अ सेट इसमें मार्केट कैप बहुत कम है और इवन वॉल्यूम कम होते हैं, तो वो एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा एलोकेशन लेना चाहिए. एज अ स्मॉल कैप बेट कैन कीप 2% एलोकेशन इन दिस कंपनी. वी आर बायस्ड, वी ओन दिस कंपनी. बिल्कुल. तो पिक्स ट्रांसमिशन ये है वो स्टॉक जो पसंद है वरिंदर बंसल को. और जैन साहब भी धन्यवाद भेज रहे हैं वरिंदर बंसल को. 3 से 4 बार उनके जैन स्टॉक में भी रहा है, उनका भी ऑल टाइम फेवरेट रहा है और ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में रह सकता है. 1 से 2 साल के व्यू के हिसाब से आपको खरीदारी करनी, लेकिन ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं. और डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी आपको दे चुके हैं वरिंदर की, ओमकारा के पास भी है, उनका निजी निवेश भी है और उनके क्लाइंट्स का भी. तो यह है पिक्स ट्रांसमिशन आपके लिए खरीदारी करने की या फिर देखने की राय पोर्टफोलियो के लिहाज से. बिल्कुल नजर